है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्या जीएस का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रशय दिया था? तो यह दिया था अश्वघोष को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति का यह उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? यह किया था 673 ईस्वी में, 673 ईस्वी में फाहियान सबसे पहले आया था, उसके बाद हेन स्वांग, उसके बाद इत सिंह आया था। नेक्स्ट है, किसी वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी सातवाहनों ने सर्वप्रथम सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो यह सातवाहनों ने सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था? तो गुप्त वंशों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण किया था, वही बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1001 से लेकर के 1027 तक मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 1025 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, यह महत्वपूर्ण आक्रमण है। उसके बाद याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 है, 1175, और इसके बाद 1178 भीम द्वितीय के द्वारा यह पराजित हो जाता है। प्रथम बार भारत में इसका पराजय होता है। उसके बाद दूसरा बार इसका पराजय होता है 1191 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। उसके बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़ा जाता है, जिसे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। आगे बढ़ते हैं, 1194 चंदावर का युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा देता है। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? यह किया था 1702 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? प्रैक्टिस सेट नंबर 11 इसकी चर्चा कर चुके थे। दीपावली की रात हजारीबाग जेल से। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन था? बताइएगा। त्या था दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? त्या भाग लिया था चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 में हुआ था, राजकुमार शुक्ल बुलाने पर ही बिहार आए थे। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तय करता रहा था कैमूर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में यूपीएससी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सुदन को। नेक्स्ट है, किस देश ने PR23 नामक बहुवर्षीय चावल की किस्म विकसित की है? चीन ने। PR का मतलब होता है सदाबहार चावल, वही गोल्डन राइस फिलीपींस में। PR23 जो है, एक बार लगाने के बाद 8 साल तक यह फसल देता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर सी। वही विधानमंडल का अंग 168 में है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होते हैं, और विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद की संरचना की जो चर्चा अनुच्छेद 171 में है, वही बात की जाए विधानसभा की संरचना, तो हो जाएगा 170। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो पता ही होगा, दाढ़ी बनाने में समय अवतल दर्पण का, साइड मिरर ग्रुप में उत्तल दर्पण का। परम शून्य ताप क्या है? मैंने इस बार एक बार फिर से इसे करवा रही हूँ, पहले भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसे फास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे। परम शून्य ताप क्या है? क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है।
बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो आयनोस्फीयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आयनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, परमाणु बम के सिद्धांत का आधार है, परमाणु बम के सिद्धांत का आधार क्या है तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाभिकीय संलयन हो जाएगा तारे में ऊर्जा, वही नियंत्रण नाभिकीय विखंडन परमाणु रिएक्टर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन यह हो जाएगा हाइड्रोजन बम, और यही हाइड्रोजन बम से ही क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हवा में चांदी के बर्तन का काला होना यह रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पानी में चीनी का घोलना यह क्या है तो यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा हो जाएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यह हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है, जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं, रेडियम को। वही भय की धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है, भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, भविष्य का धातु टाइटेनियम, वही भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ अगर पूछा जाता है ग्रेफीन, उसके बाद हीरा, इनमें से कौन सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ ऑप्शन के अनुसार हीरा हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, सबसे बड़ा स्तनपाई व्हेल मछली है। इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, वास्तविक रूप से मछली स्टार फिश, जेली फिश, रेजर फिश यह सब मछली नहीं है, जबकि डॉग फिश, डागा नहीं डॉग फिश यह क्या है, वास्तविक मछली है। नेक्स्ट है हरिमाऊ शक्ति 2022 भारतीय सेना एवं किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला पहला किया जाने वाला प्रशिक्षण अभ्यास है, सॉरी हरिमाऊ शक्ति 2022 भारतीय सेना एवं किस देश के सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण अभ्यास है तय हो जाएगा किसके बीच, तय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस देश की बेकरी आइटम बेग्यूटी को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है, यह दिया गया है फ्रांस को, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के द्वारा। बेलेनोग्लोसिस जीव है जो बने होते हैं, बेलेनोग्लोसिस जीव है जो बने होते हैं, यह बने रहते हैं अकशेरुक एवं कशेरुक से, कशेरुक से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर सबसे पुराना सजीव कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना सजीव यह हो जाएगा नीला हरित शैवाल। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीवद्रव की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक, यह हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। पौधों द्वारा निम्न से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, पौधों द्वारा निम्न से कौन सी गैस उपयोग की जाती है तो यह प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है बताइएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी एवं बेरोजगारी NSSO के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप DR गाडगिल ने तैयार किया था, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप DR गाडगिल ने तैयार किया था तो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से लेकर के 74 का काल था, 1974 से लेकर के 78 का जो काल, 1974 से लेकर के 78 चला था पांचवी पंचवर्षीय योजना, एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सर्वाधिक जो नगरीकृत राज्य है यह गोवा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है, और करनाल कहाँ है तो यह हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगर पूछा जाता है आनंद हो जाता, अंबिका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं बैल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो अंबिका नगर में, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो हिसार में है। नेक्स्ट है निम्न से कौन संतूर वादक हैं, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, हालांकि इनका निधन हो गया है हाल ही में, जाकिर हुसैन तबला वादक थे, पंडित रविशंकर सितार वादक, पन्नालाल घोष यह थे बांसुरी वादक। बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, इनका भी निधन हो चुका है, और बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नई चेतना लिंग अभियान किस राज्य में शुरू किया है, नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया है कहाँ, केरल में। किस देश की मीना सू चो को मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया है,
किस देश की मीना सूचो को मिस अर्थ 2022 का ताज बनाया गया है, तय हो जाएंगे कहाँ का, दक्षिण कोरिया का। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, द्वितीय ताजमहल कौन सा कहलाता है, तो हो जाएगा राफिया उद्दौरानी का मकबरा को क्या कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल। हुमायूं का मकबरा इसे कहा जाता है। ताजमहल का पूरा गामी मुगल काल का उत्कृष्ट नमूना है। इत्माउद्दौला का मकबरा यह पित्रादुरा शैली से बना हुआ है, पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें किया गया है। अकबर का मकबरा कहा था, सिकंदरा में है। निम्न से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तय चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग। द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग नहीं, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, अवध का विलय किया गया था कुशासन के आरोप में 1856 में, और उस समय ब्रिटिश रेजिमेंट अवध का कौन था, यह था जेम्स ऑट्रम, जेम्स ऑट्रम, ऑप्शन नंबर ए। पर्दा प्रथा एवं ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था किसके नेतृत्व में, डब्ल्यू ए स्लीमैन के नेतृत्व में, कब, 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई, भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया, तो आयोजित किया गया भारत में, न्यूयॉर्क फिल्म सिटी फिल्म क्रिटिक सर्किट 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, बताइएगा किसने जीता है, तय जीता है एस राजा मौली ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हालांकि मैं टाइम वेस्ट करती भी नहीं हूँ। आज़ादी की लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, किसने भाग नहीं लिया, तात्या टोपे, ये सबका नाम सुने होंगे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, जबकि भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया, हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था लॉर्ड रिपन के समय, और इस पर जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, तय शुरू किया था तारकनाथ दास ने। यहाँ पे छूट गया, इसे ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो ग्वालियर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था, भारत का पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मिरातुल अखबार संवाद कौमदी इनकी प्रमुख पत्रिका है, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बताइएगा, त्याग थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना की गई थी, इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। मराठा और केसरी किसकी पत्रिका है, तो यह बाल गंगाधर तिलक का है। मराठा इंग्लिश में छपती थी और केसरी जो छपती थी यह मराठी में। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, वायसराय का पद 1858 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, बम्बई में हुई थी, गोकुल देश तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। अल्पसंख्यक से इसका तुलना भी किया था, टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, महिला एक भी भाग नहीं ली थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, कहाँ, नागपुर में 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तय हो जाएगा 48वां। भारत किस देश को अपना डेयरी उद्योग एवं दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, यह करेगा श्रीलंका को। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, ग्रेट साल्ट झील तुर्की में स्थित है, वॉन झील जो कि सबसे खारी झील है, और उसके बाद मृत सागर जो है यह फिलिस्तीन, इसराइल और जॉर्डन में स्थित है, और तीसरा सबसे खारा जो झील है यह है ग्रेट साल्ट झील जो कि अमेरिका में अवस्थित है।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है या कहलाती है भीखा जी कामा। ऑप्शन नंबर ए, विलियम विडर्मा ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में भाग लिया था। विलियम विडर्मा ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, कौन से अधिवेशन का तय की थी, 1910। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। नेस्ट ने 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। पूना पैक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, यह थे घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में, और कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वह था दांडी मार्च के समय, यह हो जाएगा बेब मिलर। ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर को भारत छोड़ो आंदोलन के समय। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे, ते हुए थे बिल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना शुरू की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना किसने शुरू किया है, यह शुरू की है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य दिव्यांग कल्याण का एक स्वतंत्र विभाग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था, किसने, यह रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए, लेकिन सर ने सी आर दास आंसर टिक किया है। इसका राइट आंसर हमने देखा था निष्ठुर बर्बादी कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सर बताए हैं इसका राइट आंसर ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही, आप लोग कन्फर्म होंगे, नहीं तो फिर दोनों हो सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया, यह 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था, यह किया गया था 1951 में, और 9वीं अनुसूची में जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। टोपरा तथा मेरठ से दो स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, यह लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है अष्ट प्रधानमंत्रिमंडल किसके राज प्रबंध में सहायता करता था। देखिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा, अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में अंतर है। अष्ट दिग्गज होता था यह होता था कृष्णदेवराय के समय, और अष्ट प्रधान होता था शिवाजी के समय। अष्ट दिग्गज में तेलुगु कवियों का समूह होता था। किस अभिनेत्री ने कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया, किसने किया, तो दीपिका पादुकोण ने। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 का व्यक्ति नामित किया गया है, तो वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्प्रिट ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन हो जाएगा डी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था। मैंने कई बार बताया है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इस अधिवेशन के अध्यक्षता अंका चरण मजुमदार कर रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग सब एक हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यह थे चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चित थे, जबकि देश की आज़ादी के समय कौन थे, तो लॉर्ड एटली थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, तो हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। पृथक विधान परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा किया गया था। संघीय अदालत 1937, सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और भारतीय संविधान 1950 के द्वारा
भारतीय संविधान 1950 नहीं लेकिन 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का शुभारंभ किया गया था 28 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? अभिनव भारत का पूर्व जो नाम था यह था मित्र मेला संघ, और इसकी स्थापना की गई थी कब? मित्र मेला संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1899 में। इसी का बाद में नाम चेंज करके 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया जाता है। और अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वी डी सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था क्या किया था किसने? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नबार्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है के वी साजी। नबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, 12 जुलाई 1982 को। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरे ख्याल से जतिन दास भूख हड़ताल करने के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी और इन्हें बंदी बनाया गया था लाहौर षड्यंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, 1917 एनी बेसेंट, 1924 महात्मा गांधी, 1925 सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का। ऑप्शन नंबर बी। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह होता है ख़त्म हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन का, जो कि उपधातु है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? जगदीप धनखड़। किस देश ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की? तो फिजी ने। विद्युत मोटर किस नियम के कार्य करता है? क्या कार्य करता है? फैराडे का नियम। गोल कृमि से होने वाला रोग यह हो जाएगा फाइलेरिया। वही चपटा कृमि से होने वाला रोग है टिनी एसिस। चपटा कृमि से होने वाला रोग है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह सोनार का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्या कहलाता है? एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर बी। किस विटामिन को येलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 को, राइबोफ्लेविन को। निम्नलिखित में से कौन भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? क्या बना है? आदित्य मित्तल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह तमिलनाडु। अब यहाँ से मैथ का आंसर देखने को मिलेगा और रीजनिंग का। मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 91 का हो जाएगा डी, 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 94 ऑप्शन नंबर सी, 95 क्वेश्चन को देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97 ऑप्शन नंबर वन सॉरी डी लाभ 1%, 98 नव प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99 का भी बी होगा और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बाकी आपकी इच्छा शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है एजुकेशन ब्रांच चैनल पे चल रहा है, वहाँ भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।